सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। ये बात आप सभी को मालूम होगी कि आज 5 फरवरी से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो 2020 की शुरुआत कर दी गई है और आज डिफेंस एक्सपो के पहले दिन इंडियन मिलिट्री को लेकर कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। इस डिफेंस एक्सपो में HAL ने इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और DTL के साथ UAVs को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए अपने पहले MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, और जबकि इस दौरान HAL ने डिजिटल हेड अप डिस्प्लेस के लिए एल्बिट सिस्टम के साथ एक और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। और दोनों कंपनीज के बीच साइन किए गए इस MOU के तहत एल्बिट सिस्टम के डिजिटल हेड अप डिस्प्ले यानी कि HUD टेक्नोलॉजीज को इंडियन डिफेंस सर्विसेज के साथ साथ अन्य पोटेंशियल कस्टमर्स में प्रमोट किया जाएगा। और इस दौरान पहली बार डिफेंस एक्सपो में SSS डिफेंस ने पूरी तरीके से स्वदेशी तौर पर विकसित की गई स्नाइपर राइफल सेबर MK2 को भी पेश किया है, और ऑफिसर्स का कहना है कि इंडियन आर्मी और एनर्जी द्वारा इस स्नाइपर राइफल्स के ट्रायल्स किए जा रहे हैं। और इसी तरह स्वदेशी तौर पर बनाई गई ऐसी कई सारी चीजें इस डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शित की गई है, जैसे कि गाइडेड पिनाका MK2 प्रोजेक्टाइल, DRDO का ISTAR प्रोग्राम यानी कि इंटेलिजेंस सर्विलियंस टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनसेंस प्रोग्राम, ATAGS होविट्जर एसेट मिसाइल सिस्टम, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल LCA तेजस और ऐसी ही कई सारी अन्य चीजें। और इस डिफेंस एक्सपो में तेजस MK2 जिसे अब मीडियम वेट फाइटर के तौर पर विकसित किया जा रहा है, इसके जिस मॉडल को पेश किया गया था, इस मॉडल को पहली बार एक नई एंगुलर मिसाइल के साथ देखा गया है। और कुछ सोर्सेज का कहना है कि जो मिसाइल है ये DRDO द्वारा विकसित की गई रुद्रा M3 नाम की एक नई अपकमिंग प्रिसीजन गाइडेड ऑपरेशनल टैक्टिकल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। और तेजस MK2 के साथ इस मिसाइल का देखा जाना इस बात की पुष्टि करता है कि जो तेजस MK2 है वो कई सारे बेहतरीन वेपन्स के साथ आने वाला है, और उनमें से अधिकतर वेपन्स स्वदेशी तौर पर बनाए गए होंगे। और इस डिफेंस एक्सपो में MBDA ने भी अपनी 5th जनरेशन की एंटी टैंक कैरेट मिसाइल को भी प्रदर्शित किया है, और बाकी बोइंग की तरफ से FA-18 ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट फाइटर के फुल कॉकपिट सिमुलेटर को भी देखा गया है। और जबकि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से भी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक कैरेट मिसाइल को प्रदर्शित किया गया है, और जबकि IIT मद्रास की तरफ से भी मल्टी रोल अनमैन एरियल व्हीकल्स फायर कंट्रोल नेटवर्क और रैमजेट प्रोजेक्टाइल टेक्नोलॉजीज पेश की गई है, जो उन्होंने खुद स्वदेशी तौर पर विकसित की है। भारत के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम AMCA के प्रोटोटाइप्स को बनाने के लिए इस साल के दूसरे हाफ से ये प्रोग्राम डिटेल्ड डेटा जनरेशन प्रोसेस के साथ एक और महत्वपूर्ण फेज में प्रवेश करेगा। और कुछ ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ये फाइटर कई सारी होम ग्रोन और नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स के साथ आएगा। और इस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर ये कहा गया है कि ये फाइटर मैन्ड अनमैन्ड स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ मोड्स जैसे अलग अलग एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस होगा, यानी कि ये फाइटर अनमैन तरीके से भी ऑपरेट हो सकेगा बिल्कुल किसी UAV की तरह। और कुछ टॉप मीडिया सोर्सेस ने इस बात को कंफर्म किया है कि जो AMCA प्रोग्राम के डिजाइन फेज है वो पूरा होने के काफी करीब है, और साइंटिस्ट द्वारा AMCA के डिजाइन में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर AMCA का डिजाइन पूरा हो जाएगा। और ADA ने AMCA के करीब 5 प्रोटोटाइप्स को विकसित करने की योजना बनाई है, जिसके लिए उन्हें इस साल के अंत तक भारत सरकार से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। और एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी इस फाइटर को लेकर सामने आई है, उसके मुताबिक AMCA फाइटर अपने बॉडी कंफर्म एंटीनास प्लस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और स्टेल्थ फीचर्स के साथ डेंजरस टेरिटरीज के ऊपर से एक अनडिटेक्टेड तरीके से फ्लाई कर सकेगा, यानी कि AMCA में जो स्टेल्थ फीचर्स है उनको इतना इम्प्रूव किया जा रहा है कि इस फाइटर को डिटेक्ट कर पाना बेहद ही मुश्किल होगा। और अगर सब कुछ सही रहता है यानी कि सारी योजनाएं अपने समय के अनुसार काम करती हैं, तो AMCA का पहला प्रोटोटाइप 2025 में अपनी पहली उड़ान भरेगा। और जिस हिसाब से AMCA के फीचर्स बताए गए हैं उससे ऐसा लगता है कि AMCA को एक 5.5 जनरेशन के फाइटर के तौर पर विकसित किया जा रहा है। टॉप ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक इस साल निर्भय क्रूज मिसाइल को स्वदेशी तौर पर बनाए गए मानिक नाम के स्मॉल टर्बोफैन इंजन के साथ टेस्ट किया जाएगा, और ऑफिशियल्स का कहना है कि ये इंजन अपनी बेंच टेस्टिंग के लिए तैयार है, और जबकि इसके बाकी के अन्य वेरिएंट्स पर काम चल रहा है। और बाकी इसके अलावा फ्रांस के इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सैफ्रन के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने इकोनॉमिक टाइम्स के साथ इंटरव्यू के तहत इस बात की जानकारी दी है कि फ्रांस भारत की स्वदेशी वेपन इंडस्ट्री के लिए पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार है। और इस दौरान फाइटर जेट इंजन पर बात करते हुए उन्होंने
कहा कि स्वदेशी तौर पर एक फाइटर जेट इंजन को विकसित करना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, और अगर भारत इस क्षेत्र में फ्रांस के साथ मिलकर काम करने का फैसला लेता है तो हम जेट इंजन के क्षेत्र में एक फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पेश करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, और भारत के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर्स को स्वदेशी जेट इंजन के साथ इक्विप करने के लिए हमारा जो भी योगदान हो सकेगा हम वो अपना योगदान पूरी तरीके से देंगे। कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज डिफेंस एक्सपो 2020 से कुछ नई डील्स हासिल करने पर विचार कर रही हैं, और जिसके तहत वे इंडियन एयरफोर्स के लिए KT-1 बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को पेश करने की योजना बना रहे हैं। और इस कंपनी के ऑफिसर्स का कहना है कि वर्तमान समय में इंडियन एयरफोर्स अपने बेसिक ट्रेनर्स को चेंज करने की प्रोसेस में है, और इसलिए हम इंडियन एयरफोर्स के लिए अपने ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को पेश करना चाहते हैं। और इस डिफेंस एक्सपो 2020 में ये कंपनी KT-1 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के अलावा FA-05 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट और कोरियन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जिसका नाम सूर्यन 2 है उसे भी प्रदर्शित करेगी। और बाकी इसके अलावा बुधवार को रशिया की न्यूज एजेंसी की तरफ से इस बात की जानकारी दी है कि रशिया भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी 2021 के अंत से शुरू करेगा। और जबकि इससे पहले जो S-400 सिस्टम की डिलीवरी को लेकर रिपोर्ट सामने आई थी उसमें सुन ब्रोन एक्सपोर्ट के अलेक्जेंडर मिकीव का कहना था कि इनकी डिलीवरी सितंबर 2021 से शुरू की जाएगी। इंडियन मिलिट्री के इस बिगेस्ट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के तहत आज से करीब 3 सालों के अंदर मिलिट्री कमांड्स को ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी इन तीनों के ऑपरेशंस इंटीग्रेट होंगे। और बाकी इसके अलावा भारत के पास एक पेनिनसुला कमांड, एयर डिफेंस कमांड, स्पेस कमांड, मल्टी सर्विस लॉजिस्टिक कमांड और ट्रेनिंग कमांड भी होंगी, और हर एक थिएटर कमांड के पास एक इंटीग्रल एयरफोर्स एलिमेंट मौजूद होगा, और अगर जरूरत पड़ती है तो एडिशनल एयरक्राफ्ट को वहाँ पर तैनात किया जाएगा। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इंडियन आर्म फोर्सेज के तीनों चीफ्स के बीच हुई शुरुआती बातचीत में इस बात को क्लियर किया गया है कि कमांड्स को स्थापित करने की सारी प्रोसेस समय के अंदर पूरी की जाएंगी। और जहां एक तरफ इंडियन मिलिट्री के इस बिगेस्ट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस पर काम किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आज सुबह करीब 11:43 पर जम्मू कश्मीर में नाका ड्यूटी पर तैनात CRPF सोल्जर्स की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है, और इस मुठभेड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 आतंकियों को मार गिराया है और जबकि एक आतंकी को जख्मी हालत में पकड़ा गया है, और इन आतंकियों से आर्म्स, एम्युनिशंस और ग्रेनेड्स बरामद किए गए हैं। लेकिन एक दुखद खबर यह है कि इस मुठभेड़ में CRPF का एक जवान शहीद हो गया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस वीर जवान की आत्मा को शांति मिले। और अब समय है पिछले एपिसोड के सवाल के जवाब का। तो पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि माल्टा अभियान नाम की कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज इंडियन नेवी ने कौन से शहर में आयोजित की है, और इसका सही जवाब है कोलकाता। और ये अपने आप में ही एक बहुत ही यूनिक एक्सरसाइज है जिसका उद्देश्य तटीय समुदाय के साथ बातचीत करके तटीय सुरक्षा पर जागरूकता फैलाना और सुंदरबन डेल्टा जल में नौवहन जटिलताओं को समझना है। और इस एक्सरसाइज के तहत माल्टा नदी में सुंदरबन क्षेत्र से हेमनगर तक के लिए 2 नेवल वेसल्स को रवाना किया गया है। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।